आज हम कौल कुंडली मंदिर नगरोटा जम्मू आए हुए हैं। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कल हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे और आज हम कौल कुंडली मंदिर नगरोटा आए हुए हैं। ये जो नगरोटा मंदिर है जम्मू से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ देवी दुर्गा 5 साल की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी माँ ने इस जगह पर करीब 12 साल की उम्र तक तपस्या की थी। बाद में वहाँ एक पिंडी रूप में विराजमान हो गई। इस मंदिर की जो खोज है ना, वो पांडवों ने की थी। दरअसल पांडव अज्ञातवास के दौरान, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था उसके दौरान यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने यहाँ पूजा की थी। उनकी भक्ति भावना को देखकर माँ ने उन्हें स्वप्न में यहाँ एक मंदिर बनवाने को कहा और पौराणिक कथाओं के अनुसार ही मंदिर के निर्माण के वक्त भीम को बहुत तेज प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब देवी माँ ने मंदिर के पीछे एक कटोरे में पानी का इंतजाम किया। कहते हैं कि वह कटोरा इतना चमत्कारिक था कि उसने हजारों लोगों के पानी पीने के बावजूद वो खाली नहीं होता था। देवी माँ के कटोरा उत्पन्न करने के समय वहाँ एक शिवलिंग की भी उत्पत्ति हुई थी। मंदिर में मौजूद शिवलिंग को ही गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि आप आज वीडियो में देखोगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी माँ इस जगह आज भी विराजमान है। ये देखिए, मंदिर में देवी माँ हैं। और अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और यहाँ के दर्शन नहीं करते हो तो ये यात्रा आपको अधूरी मानी जाएगी। अभी आप देखिए, पूरा मंदिर देखिएगा, आपको मैं पूरा मंदिर दिखाता हूँ। ये सारा मंदिर है, अभी मंदिर में एक साइड भंडारा चल रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जब हम लोग इस मंदिर में स्वयं पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पे भंडारा चल रहा है। और पहले आप मंदिर को देखिए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। ये जगन्नाथ भगवान है। ये नवग्रह का मंदिर है। अभी हम भंडारे में आ गए हैं और ये भंडारे में तैयारी चल रही है। अभी सारे भक्त इकट्ठा हो रहे हैं। अभी मेरी बात हुई थी भंडारे वालों से, तो उन्होंने कहा पहले हम थोड़ा भोग वगैरह लगा दें, इसके बाद फिर भंडारे का वितरण करेंगे। देखिए, सारे लोग खड़े हुए हैं भंडारे के इंतजार में। अच्छा लगता है भंडारा खाना। भंडारा खा के पेट भर गया। और अभी हम सभी ने भंडारा खा के अब हमें जाना है। यहाँ से कुछ दूरी पर हमें बताया गया है कि जो महाराज करण सिंह हैं उनका संग्रहालय है। अब हम वहाँ पर जा रहे हैं सारे लोग। देखिए, बाहर आपको नज़ारा देखोगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम महाराज करण सिंह का जो संग्रहालय है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये देखो, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, सभी बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें। ये मेरे दोस्त हैं, उनकी बेटी है, वो पापा से खेल रही है। अभी हम यहाँ का एक बात बता दूँ आपको, इसके हम अंदर की वीडियो नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपको बाहर की वीडियो दिखा रहा हूँ और आपको अंदर के सारे फ़ोटो दिखाऊंगा। आप वीडियो के लिए क्लियर मना किया है उन्होंने, आप अब देखिएगा। इसकी टिकट भी लगती है 10 रुपये। देखो आप, ये सारे फोटो हैं अंदर के, बहुत सुंदर बना हुआ है। महाराज करण सिंह का जो भी इतिहास है, डोंगरा रेजिमेंट वगैरह का, सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत सुंदर है, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। यहाँ पर आपको यहाँ बहुत सारी सुरक्षा मिलेगी, कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से ही आप वीडियो नहीं बना सकते। अभी ये मेरा वीडियो खत्म होने वाला है, अब हम उसे निकल रहे हैं।